अस्सलाम वालेकुम और खातिन क्या हाल चाल है वॉट वॉट अ कम बैक एक दफा नहीं दो दफा सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यूनाइटेड प्लेड लाइक अ चैम्पियन उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स मिसिंग थे आज हसन अली ही हैड टू टू गो ड्यू सम फैमिली इश्यूज और ऊपर से फहीम अशरफ ही वॉज इंजर्ड लेकिन पी एस एल में पहली दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दफ़ा उनने टॉस जीत के बॉलिंग की है आज पहली दफ़ा और बाकी टीम्स भी बॉलिंग कर रही थी आज उनने पहली दफ़ा बैटिंग की है टुकड रिस्क और ये रिस्क लोगों को लग रहा था फेल होगा क्यों फेल होगा क्योंकि वी व ट्वेंटी फोर फाइव एंड अभी वन वॉज लाइक आज पी एस एल का नया रिकॉर्ड बनेगा जो होगा लीज टोटल क्योंकि ऐसी ही चाह रही थी बैटिंग हमारी और उसके बाद आसिफ अली और इफ्तार अहमद आए जो सबसे क्रिटिसाइज़ किए जाए वाले बैट्समैन हैं इस्लामा यूनाइटेड के लेकिन क्या बैटिंग की हैट सॉफ्ट टू प्यारी बैटिंग मतलब उफ राशिद खान जैसे प्लेयर जो पिछले दो मैचों से आई गेस मैन ऑफ द मैच जा रहे हैं उनने को आज विकेट लिस्ट वापस भेजा देन कमिंग बैक टू द बैटिंग लोअर कलंदर की जो बैटिंग हुई इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट ग्रेट हेड स्टार्ट बाय द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनने आई गेस फोर्टी आउट रन बनाए एंड ही वेंट डाउन टू फवाद अहमद लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले और उसके बाद भी थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन दे वर एटी टू फोर टू एंड दे वेंट टू नाइनटी एट फोर एट दिस इज वट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑल अबाउट किसी एक बैट्समैन किसी एक बॉलर पे रिलाई नहीं करते दे प्ले एज ए टीम सब पूछते हैं इस्लामाबाद का क्या सीन है कि बाकी टीम में स्टार स्टडेड प्लेयर्स होते हैं सब कुछ है इस्लामाबाद में कोई इतना स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है लेकिन हर कोई परफॉर्म करता है जब उसको जब उसका अपना टाइम होता है आज बॉलिंग में शदाब ब्यूटीफुल विकेट्स दो दो विकेट एक ओवर में जो मेजर विकेट्स थी उसके बाद मूसा खान मूसा खान जो पिछले मैच में भी एक्सपेंसिव थे लेकिन ही टुक द बिग विकेट ऑफ सरफराज अहमद एंड आंड्रेड रसल और आज इस मैच में भी क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है मतलब थक गया हूँ बता बता के सीजन वन से बार बार बोलता हूँ यार देखो इस्लाम सीजन वन में तो इस्लाम आबादी यूनाइटेड को बहुत हल्का लिया हुआ था ना लेकिन जब चैंपियन बने उसके बाद इस्लाम आबादी यूनाइट को एक एलीट एलीट टीम्स में शामिल किया जाता है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पी आते गए हम भाई भी निकले पिछला पी हमारा सबसे बुरा पी था लेकिन आई ऑलवेज सपोर्ट दिस टीम वाई बिकॉज दे प्ले लाइक चैम्पियंस हमेशा हमेशा किसी एक बंदे पर रिलाई नहीं करते फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सो बींग बैक ऑन द टेबल Roaring back on the table by two comebacks in one match. Now, we will Inshallah, we are going to bring the third PSL trophy home this time. Jazakallah, thank you for listening to me and subscribe this because there are many videos.